शमोली एसटीपी प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत के बाद कुमाऊं के सभी एसटीपी प्लांट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी एसटीपी प्लांट में सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली में हुई घटना के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी एसटीपी प्लांट, औद्योगिक इकाइयों और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सब स्टेशन में उपकरणों की सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सुरक्षा के लिहाज से सभी इकाइयों का एक बार निरीक्षण कर लिया जाए। एसटीपी प्लांट का संचालन आमतौर पर जल संस्थान के पास रहता है, लिहाजा मेंटेनेंस के तौर पर समय समय पर चेकिंग होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सभी सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा की दृष्टि से बिजली के उपकरणों की सुरक्षा भी तय की जानी बेहद जरूरी है, जिससे चमोली जैसी घटना से बचा जा सके। बहुत दुखद घटना है और विद्युत की सेफ्टी तो केवल एसटीपीज में नहीं, इनफैक्ट सभी जगह है। और बरसात में और ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि कई जगह रिसाव होता है, लीकेज होता है, अर्थिंग के इश्यूज भी आते हैं। अभी बहुत जनरल सेफ्टी डायरेक्शंस भी विद्युत विभाग की ओर से आए थे। इससे पहले मैंने सबसे पहले तो यूपीसीएल से ये कहा है कि जो आपके सबस्टेशंस हैं, जहाँ भी आपके उपकरण हैं, एक तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि ये किसी तरीके से डूबे ना। अगर ये जलमग्न होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है कि करंट फ्लो कहीं से कट जाए और किसी की डेथ हो। एसटीपीज की जहाँ तक आपने बात करी है तो इनका संचालन नॉर्मली जल निगम, जल संस्थान इनके पास रहता है और आमतौर पर जो एसटीपीज कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका जो मेंटेनेंस पीरियड होता है उसमें जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास रहता है। तो एक तो इंटरनल एसटीपीज के लिए मैंने डायरेक्शंस दिए हैं सभी एजेंसीज को कि अपनी ओर से इसके ऑडिट के डायरेक्शन प्रशासन ने भी किए हैं। एसओपीज होती हैं, नॉर्मली भी होता है, ऐसा नहीं कि स्पेशल डायरेक्शंस हों, इट शुड बी डन बिना अदरवाइज। और दूसरा मैंने यूपीसीएल के जो दोनों हमारे चीफ इंजीनियर हैं उनसे भी कहा है कि अपने एंड पे भी सेफ्टी के जितने भी मसले हैं इनको दिखा लें और जहाँ विद्युत निरीक्षक को भेजना है सेफ्टी इंस्टॉलेशंस में उनकी ओर से भी इसकी रिपोर्ट आ जाए। सरकारी कार्यालयों में भी समय समय पे मैं डायरेक्शंस देते हैं क्योंकि सरकारी कार्यालय भी कई बार आपने देखा होगा पूर्व में भी शॉर्ट सर्किट हुए हैं और हमारे ऑफिस में कुछ जगह वनाग्नि की अग्नि की घटनाएँ भी हुई हैं, फायर भी हुई शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उसके ऑडिट के लिए भी कहा।